दोस्तों एक प्रसिद्ध कथन है कि तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो फिर रेंगने पर क्यों अड़े हुए हो। दोस्तों आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं राकेश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने कथन बताया कि तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो फिर रेंगने पर क्यों अड़े हुए हो। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये हम सभी पर लागू होता है। कहने का मतलब मानव जाति पर लागू होता है कि आदमी के अंदर अद्भुत शक्तियाँ होती है, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का उन प्रतिभाओं का प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? तो दोस्तों जब मैं छोटा होता था मैं एक सीरियल देखता था शक्तिमान, वो आजकल भी चलता है, बहुत सारे बच्चों से पसंद करते हैं। उस शक्तिमान जब शुरू होता था तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो गाना आता था उसमें कहते थे होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्ति। तो दोस्तों ये बात मुझे बिल्कुल 100% सही लगती है कि जब हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, शक्ति मीन्स कि अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो क्षमता है, जब हम अपनी क्षमता को पहचान जाते हैं तो हम भी शक्तिमान हो जाते हैं। शक्तिमान का मतलब है एक संपूर्ण आदमी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व, हम भी ऐसा बन सकते हैं जब हमें अपनी प्रतिभाओं का, अपनी क्वालिटीज़ का जब हमें पता चल जाता है। तो देखिए दोस्तों हमें पता क्यों नहीं चलता या क्या कारण होता है कि इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसका मुख्य कारण यही है कि वो खुद की प्रतिभाओं पर काम करने की बजाय वो दूसरों को देखकर उनकी नकल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है, दूसरों की नकल किए बगैर अपने भीतर झांक कर अपने भीतर ध्यान से देखना है कि हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं। और अगर हमने अपनी प्रतिभाओं के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से अपना फील्ड चुन लिया तो वहाँ हम सक्सेस हो जाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा कि बगैर किसी से कंपटीशन किए हुए अपनी क्षमताओं को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार आजकल लोग क्या कहते हैं कि एक दूसरे जो भी सक्सेसफुल इंसान है उनका एग्जांपल लेते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसा किया, वो एक महान डॉक्टर है, वो एक महान साइंटिस्ट है, आपको भी एक महान साइंटिस्ट बनना है, आपको भी एक डॉक्टर बनना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इस सृष्टि में सभी व्यक्तियों की जो प्रतिभाएँ हैं वो अलग अलग है, सभी के फील्ड अलग अलग है, हमें अपने क्षमताओं के हिसाब से अपने फील्ड का चुनाव करना है। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समस्या आती है कि वो किस फील्ड में जाए, और तो वो क्या करते हैं कि वो किसी की देखा देखी किसी फील्ड में जाते हैं, एक दूसरे को देखकर वो सब्जेक्ट लेते हैं, एक दूसरे को देखकर वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा करके वो अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को नष्ट कर रहे होते हैं। हमें खुद के भीतर जानकर, खुद की क्वालिटीज को पहचान कर फील्ड का चुनाव करना है। देखिए दोस्तों ऐसा होगा कि अगर व्यक्ति है, हम आदमी हैं, हम चलने में माहिर है, अगर हम किसी पक्षी के साथ मुकाबला करें कि पक्षी तो आसमान में उड़ता है, हम क्यों नहीं उड़ पाते और हम उड़ने की कोशिश करें, पंख लगाए, आर्टिफिशियल, देखो आजकल वो सब पॉसिबल हो गया, लेकिन हम एक पक्षी के साथ मुकाबला नहीं कर पाए। हम देखेंगे कि वो आसमान में छलांगे लगा रहा है, वो आसमान में गोते खा रहा है, समुंदर का पानी पी रहा है, नदी का पानी पी रहा है, पेड़ों के फल खा रहा है, तो हम भी ऐसा करें। तो हम अगर एक पक्षी के साथ अपने आप का मुकाबला करने लग जाएंगे तो निःसंदेह हम असफल ही होंगे, हम हार जाएंगे, क्योंकि पक्षी की प्रतिभा अलग है, उसकी क्षमता अलग है और हमारी क्षमता अलग है। अगर हम उसके साथ मुकाबला किए बगैर अपनी क्वालिटीज पहचाने तो निःसंदेह हम सफल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमें अपने अपने फील्ड का चुनाव करना, अपनी प्रतिभाओं को देखकर। तो इस तरह से अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम जीवन को आनंद के साथ, बेहतर ढंग के साथ जी पाते हैं। और ख़ास करके मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि वो किसी की नकल ना करे, किसी की कॉपी ना करे, आप खुद यूनिक हो, आप में अलग प्रतिभाएं छिपी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि आप पंखों के साथ पैदा हुए हो तो फिर रेंगने पर क्यों अड़े हुए हो, आप क्यों रेंग रहे हो, क्यों दूसरों को देखकर चल रहे हो। अपनी क्षमताओं को पहचान कर आपको भी जो ये कामयाबी का जो आकाश है उसके अंदर छलांगे लगानी है, उसके अंदर उड़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।